रात्रि गश्ती कितनी प्रभावी होती है और आपराधिक वारदातों को रोकने में कितनी कारगर, इसका स्पष्ट प्रमाण टेहटा में देखने को मिला। पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य चोर जो मौके से भागने में कामयाब रहे थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर छापेमारी में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात चौकीदार रात्रि गश्ती कर रहा था। बाजार मोड़ के पास एक दुकान में चोर घुसे हुए थे। दुकान के अंदर कभी मोबाइल की लाइट जलती, कभी बुझती। इससे चौकीदार को शक हुआ। वो दुकान के पास गया और भांपने लगा कि आखिर दुकान के अंदर चल क्या रहा है। कुछ खटरपटर की जानकारी होने पर उसे शक हुआ कि दुकान में चोर घुसे हुए हैं। उसने फौरन इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी। सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी मौके पर दलबल के साथ पहुंच गए और दुकान की घेराबंदी कर ली। चोरों को पुलिस की आने की भनक लगी, जिससे एक चोर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी और भाग रहे चोर को दौड़कर पकड़ लिया। वहीं एक चोर दुकान के अंदर ही छिपा रहा। चौकीदार के जरिए दुकानदार को बुलवाकर जब ताला खुलवाया गया तो दुकान के अंदर एक चोर दुबका मिला। उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीड़ित दुकानदार रामबाबू साव का कहना है कि हर दिन की तरह वो दुकान बंद कर रात में अपने घर गया था। चौकीदार देर रात उसके घर पहुंचा और दुकान में चोर के होने की सूचना दी। जब वहां पहुंचा और दुकान खोला गया तो अंदर से चोर मिला। बताया जा रहा है कि दुकान का करकट कबाड़ कर चोर दुकान में दाखिल हुआ था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जहानाबाद न्यूज के लिए अनीश की रिपोर्ट। टेटा मछली बाजार में रात में एक चोरी भी हुई थी, जिसमें दो दुकानों में किराना का सामान चोरी किया गया था, जिसमें अनुज कुमार और सूरज कुमार दो चोर रंगे हाथों चोरी किए गए सामान के साथ पकड़े गए हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर अन्य कांडों में चोरी गए सामानों और उसकी गैंग के संबंध में सूचना इकट्ठा कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाए। दोनों चोर कहाँ गए थे? दोनों चोर टेटा बाजार के रहने वाले हैं, टेटा के ही रहने वाले। आसपास में भी कई चोरी की घटना हो? बिल्कुल, तीन चार चोरी की घटना पहले हो चुकी है, जिसके संबंध में इन्होंने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया है। उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।